बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे देखकर सलमान खान ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं सलमान खान ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म को लेकर क्या कहा है। दोस्तों, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर आ चुका है, इसे लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिक्चर 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसी बीच रिलीज से 14 दिन पहले सलमान खान ने पिक्चर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्हें ट्रेलर इतना पसंद आया कि वह अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर यह बात बोल गए। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर आ चुका है। पिक्चर 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 31 सेकंड का ट्रेलर इतना बवाल है जिस पर लोग शानदार रिएक्शन दे रहे हैं, और एक जहां अक्षय और टाइगर का इतना तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विलन बने पृथ्वीराज सुकुमारन ने लाइमलाइट ही लूट ली। चेहरे पर मास्क और हाथों में गन लिए इतनी दमदार एंट्री मारी जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसी बीच सलमान खान ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दोस्तों, अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि कुछ दिन पहले इसके 2 गाने भी रिलीज किए गए थे जिसे सुनने के बाद लोगों ने जमकर ट्रोल भी किया। उनका कहना था कि यह कॉपी किया गया है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद फैंस तो खुश ही हो गए हैं। सलमान खान ने हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़े मियां छोटे मियां अक्की एंड टाइगर पिक्चर के लिए बेस्ट ऑफ लक, यह बहुत बड़ी हिट होगी, ट्रेलर बहुत बढ़िया है। अली अब्बास जफर इस बार टाइगर और सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ना, उम्मीद है कि हिंदुस्तान को आप और आपको हिंदुस्तान ईडी देंगे। सलमान खान के इस प्यार भरे ट्वीट पर बड़े मियां छोटे मियां के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आप जैसा कोई भी नहीं है भाई, लव यू। दरअसल सलमान खान बीते कुछ दिनों से कई फिल्मों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। इस लिस्ट में अक्षय कुमार से पहले किरण राव की लापता लेडीज थी। हालांकि अपने ट्वीट को लेकर वह काफी ट्रोल भी हुए थे। इस साल सलमान खान की कोई भी फिल्म नहीं आने वाली है, उनके लिए तैयारियों वाला साल होने वाला है। हाल ही में उन्होंने अपनी पिक्चर का ऐलान किया था जो AR मुर्ग दोस्त के साथ होगी। आपको बता दें, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म में दोनों का किरदार इतना धांसू होने वाला है जितना ही धांसू विलन का भी होगा। वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, अलाया ऐप और रोनित रॉय का नाम भी शामिल है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।